नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे इस अद्भुत गेम शो में जिसका नाम है कौन बनेगा बस्ती का करोड़पति। और आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट है पुष्पेंद्र। इन्हें प्यार से फटे पर्स वाला पुष्पेंद्र कहते हैं। आइए आइए पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आलियां के लिए। नमस्ते। तो पुष्पेंद्र जी जरा बैठ जाइए हमारी हॉट सीट पर। हॉट सीट? हाँ। अरे हॉट है तो भाई चार पराठे ही सेक लो इसमें। चार पराठे। अरे बैठ जाइए, बैठ जा, बैठ जा। जी सर। तो आइए पहले पुष्पेंद्र जी की एक इमोशनल सी स्टोरी देखते हैं। नमस्कार। पुष्पेंद्र को मैं पिछले 150 साल से जानती हूँ। बहुत खुशी हुई कि वो यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन बेचारा बहुत गरीब है। इतना गरीब है कि जियो के सिम आ जाने के बाद भी हमको मिस कॉल मारता था, हम ही कॉल करते थे। और टिकट लेके सारे के सारे दिन रेलवे स्टेशन पड़ा रहता है। और पूछो तो कहता है फ्री का इंटरनेट मिलता है ना वहाँ पे, सारे दिन वाईफाई चलाता रहता है। का बताएं, इतना गरीब है, इतना गरीब है कि प्रिया तो छोड़िए, एंजल प्रिया ने भी आज तक कभी मैसेज नहीं किया। लोग मोहब्बत करके गरीब होते हैं, और ये तो इतना गरीब है कि इनकी गलियों में तो मोहब्बत भटकती नहीं है, कभी नहीं आती, हमने तो कभी नहीं देखी। हाँ, और हॉबी की बात करते हैं आप तो रेलवे ट्रैक पे जाके हल्का होता है, और हाँ सारे दिन गुटखा चबाता रहता है। भाई पुष्पेंद्र जी, बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी आपकी। कहाँ कहाँ से आंसू निकल रहे हैं मैं बता नहीं सकता, बहुत गरीब हूँ साथ में, लग रहा है शक्ल से लग रहा है आपकी। तो आइए चलिए प्रश्नों का दौर शुरू करते हैं। पहला सवाल जो होगा वो होगा, हाँ, एक रुपए के लिए आपका पहला सवाल, ठीक है? आप इतने गरीब हैं कि हाथ में रख भी नहीं पाएंगे, तो आप इसे अभी एक रुपया यहाँ रखते हैं। और सवाल पूछता हूँ मैं जी। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, ये डायलॉग तो सुना है आपने जी। आप मुझे बताइए कि इसमें गाड़ी कौन सी है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला, गाड़ी डीजल है, दूसरा पेट्रोल है, तीसरा धक्का मार है, या फिर चौथा ठेला गाड़ी है, ठेला है। वैसे आपका ये प्रश्न तो बिल्कुल शाहरुख खान की हैप्पी न्यू ईयर की तरह लगा है। कैसे शाहरुख खान हैप्पी न्यू ईयर कैसे समझ ही नहीं आया बिल्कुल। और जो आपको सवाल समझ नहीं आया, पुष्पेंद्र जी जी, क्या आप लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? मतलब हम आपको लाइफ लाइन दे सकते हैं। क्या हो गया भाई? सर क्या बताऊं मैं आपको, आप पहले ऐसे इंसान हो जिसने किसी भी तरह की लाइन देने की कोशिश की, लेकिन आप तो मर्द हो सर, मैं क्या करूंगा सर। पिछली जो पड़ोस की पुष्पा है ना सर, 3 साल से लाइन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ले ही नहीं रही है सर। आपने लाइन की बात बोल के इमोशनल कर दिया है सर। अरे लड़का बात बात पर इमोशनल हो जाता है भाई, जवाब दीजिए सर। मैं ही बताना चाहता हूँ, गाड़ी चाहे कोई सी हो पर पेट्रोल की रेट तो देखो खड़ी रहती होगी। देखो पुष्पेंद्र, दिमाग का पनामा तो करो मत, जवाब दे दो एक बार में, वरना एंग्री यंग मैन तो हम हैं। सर ऑप्शन नंबर सी डन कर दीजिए सर, धक्का मार। तो पुष्पेंद्र अपनी मम्मी की कसम खाओ कि लॉक कर दिया जाए। मम्मी कसम लॉक कर दो आप। अच्छा, अपने फूफा की कसम, मौसा की कसम, चाची की, सबकी कसम खानी पड़ेगी। सबकी कसम सर, आपकी कसम आप लॉक कर दो। तो एक बार श्योर हैं आप? बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई हो आपको, ये 1 रुपया पूरा आप जीत चुके हैं, बधाई हो, बहुत बहुत आपको, ये 1 रुपया आप रख सकते हैं। क्या कीजिएगा इस 1 रुपये का? सर मैं बहुत गरीब था सर बचपन से ही। वो लग रहा है अब तो। सर मैं जब पैदा हुआ था ना सर, तो मेरे शरीर पर एक कपड़ा नहीं था सर, नंगा पैदा हुआ था मैं। मैं इस 1 रुपए के लिए मैंने क्या क्या थैंक यू वेरी मच सर। एक तो बात बात पे आदमी इमोशनल हो जाता है। खैर फुटेज कम खाते हैं और फिर से सवालों पे आते हैं। जी सर। वैसे मुझे लग रहा है आपने बहुत इमोशनल कर दिया है, तो एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। नहीं सर, सर सर ब्रेक मत लीजिए सर, प्लीज ब्रेक मत लीजिए सर। क्यों भाई, ब्रेक तो लेना पड़ेगा सर। अगर आप ब्रेक ले लेंगे तो गाड़ी कैसे रुकेगी? पुष्पेंद्र जी, आपका अगला प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूँ, क्या आप तैयार हैं? जी सर, फुल एकदम कपड़े अपने पहन के तैयार। ये अगला प्रश्न आपको दिलवा सकता है, मेरे हिसाब से मेरे पास होंगे कुछ 6 रुपए आपको दिलवा सकता है ये प्रश्न जी। 6 रुपए के लिए हम आपसे अगला प्रश्न पूछ रहे हैं। जी सर। मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है, सुना होगा आपने जी। तो आपको बताना है कि ये लाइन किस चीज की है। ऑप्शन ए एटीएम की लाइन, ऑप्शन बी आधार कार्ड लिंक कराने की लाइन, ऑप्शन सी रेलवे टिकट की लाइन, या फिर ऑप्शन डी समोसा लेने के बाद एक्स्ट्रा दही डलवाने वालों की लाइन। सर आपका ये सवाल बिल्कुल सच्चाई की राह की तरह है।
सच्चाई की राह की तरह कैसे भाई, हम नहीं समझे। बहुत ही कठिन है भैया। देखिए सवाल अगर बहुत कठिन है तो आप सरल बनाए और फोन अ फ्रेंड ले लीजिए, अपने किसी दोस्त को फोन कर लीजिए, मेरा वैसे भी अनलिमिटेड बैलेंस है। सर बंटू को फोन मिला दीजिए। बंटू को फोन मिलाया जाए, कंप्यूटर तो हमारे पास है नहीं। पड़ोस वाली आंटी, फोन से करवा लेते। अच्छा, फोन से करेंगे? फोन से कर। ठीक है, तो ये हमारी का एक फोन है हमारे पास, उससे आप बंटू को फोन कीजिए, लीजिए बात कीजिए। हाँ बंटू, अरे सुन, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहां से शुरू हो जाती है। इसमें लाइन कौन सी, ध्यान से सुनना। एक नंबर एटीएम की, बी नंबर आधार कार्ड लिंक कराने की, सी नंबर रेलवे टिकट की, या डी नंबर समोसा लेने के बाद एक्स्ट्रा दही चटनी डलवाने वाले की। अरे दामोदर राशन बांट रहा होगा ना, उसकी लाइन होगी। अब ये तो ऑप्शन में नहीं है। अरे तू बीरू टंकी पे चढ़ गया होगा ना, बुढ़िया चक्की पीसिंग पीस। अबे तू खाओ मत, रहा रखो। सर दिस इज वेरी डिफिकल्ट। सर सर एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। आपको मम्मी की कसम है, आपकी मम्मी की कसम है, जिंदा मम्मी की कसम है, बता दो मुझे क्या है इसका जवाब। सर बताओ, प्लीज बता दो। पुष्पेंद्र जी ने हमें कर दिया है इमोशनल, मम्मी की कसम दे दी है तो जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। जी सर। अब चलिए जवाब की बात भी छोड़िए, आपने मम्मी की कसम दी है तो हम आपको सीधे 6 रुपए ले जाने का मौका देते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो, 6 रुपए भी जीत गए हैं आप। अब इसका आप कुछ कीजिएगा मत, बचा के रखिएगा, थोड़ी गरीबी कम होगी आपकी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये है आपका सबसे बड़ा सवाल पूरे। ये है हमारे पास 11 रुपए के। ठीक है तो एकदम तैयार हो जाइए। सवाल है, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, सुना है आपने ये? जी। तो अब आपका सवाल यह है कि मैं यानी कि मैं अपनी तन्हाई से मैं क्या बातें करता हूं। ऑप्शन ए, सुबह का तो हो गया, अब शाम को खाने में क्या बनाएंगे। ऑप्शन बी, इस संडे को कपड़े धोऊंगा या फिर पोछा लगाऊंगा। ऑप्शन सी, बातें नहीं करते हैं कुछ और ही करते हैं, मतलब सो जाते हैं। या फिर ऑप्शन डी, इन सब में से कुछ नहीं। मैं आपको बता दूं कि आपके पास अब भी एक लाइफलाइन है, 50-50। सर वो 50-50 लाइफलाइन लगा दीजिए आप। 50-50 लगानी है जी। तो भैया ऐसा करते हैं कि यहाँ हम रबड़ से अपनी कॉपी से 2 ऑप्शन मिटाते हैं, वहाँ आप अपनी कॉपी से 2 ऑप्शन मिटा लीजिएगा। मिटा लेते इसको? जी सर जी। भाई बिल्कुल मिट गए हैं, 2 ऑप्शन मिटा लिए गए हैं, गायब हो चुके हैं, एकदम कमाल है। तो ऑप्शन बी, इस संडे को कपड़े धोऊंगा या पोछे लगाऊंगा, और ऑप्शन डी, इनमें से कुछ नहीं, ये गायब हो चुके हैं। जी सर। आपके पास बचे हैं 2 ऑप्शन, ए सुबह का तो हो गया है, शाम को खाने में क्या बनाएंगे, या फिर सी बातें नहीं कुछ और ही करते हैं, मतलब हम सो जाते हैं। सर एक उंगली पकड़ना। दोनों ही बहुत मैली हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन पकड़ लेते हैं हम। सर ऑप्शन ए, सुबह का तो हो गया, रात में खाने में क्या बनाएंगे, डन कर दो आप। मम्मी कसम, पापा की कसम, फूफा की कसम, मौसा की कसम, चाचा की कसम। तो कॉपी महोदय जी, इन्होंने कह दी है, सबकी कसम खा दी है, तो आपको हम बता देते हैं कि क्या आपका जवाब है। तो क्या आप 11 रुपए जीत पाए? क्या पुष्पेंद्र को 11 रुपए मिले? क्योंकि सवाल का जवाब इन्होंने पूरी तरह से सही नहीं दिया है। थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने 25% जवाब जो है वो सही दिया है, बाकी गलत है, क्योंकि ये चारों ऑप्शन 25-25% सही थे। अब क्या करें, हम अपनी तन्हाई से बहुत बातें करते हैं। तो आपको मिलते हैं कुल 6 रुपए, बाकी 5 रुपए आप नहीं जीत पाए। चाय पिला देना इन 5 रुपए की। सर वो भी हम पिलाएं, इतने पैसे जीते हो तुम। तो पुष्पेंद्र अब जनता से एक अपील कर दो, हम देखें पुष्पेंद्र जो है बहुत मेहनत करके कितने 11-12 रुपए जीता है। तो बहुत बहुत बधाई हो पुष्पेंद्र आपको। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी फोटो सलमान खान जैसी होती है, लेकिन सिर्फ 4 लाइक्स आते हैं। प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना। सर आपसे एक काम था पर्सनल। हाँ, बताइए। ये कॉपी वॉपी हटाओ। हाँ। सर इस पे एक रेखा खींच करके अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। सर रेखा नहीं, लाइन खींच के, सर लाइन खींच के ऑटोग्राफ दे दीजिए सर प्लीज। गेट लॉस्ट।